हेलो एवरीवन, वेलकम टू द खाना घर घर का। आज की रेसिपी है मिर्च आलू पकौड़ा। तो यहाँ देखिए कितने अच्छे से हम आपको पकौड़े बनाना बता रहे हैं। तो आइए चलते हैं, इसकी पूरी रेसिपी हम आपको बताते हैं कैसे तैयार होगी ये। ये मिर्च जो है बहुत तीखी है, तो यहाँ हमने कुछ मिर्च लिया है, कुछ उबले आलू लिए हैं, एक नींबू लिया है। नींबू आवश्यकता अनुसार कम ज़्यादा जो हमको लगेगा उतना हम डाल देंगे। थोड़ी धनिया पत्ती ली है, थोड़ा यहाँ हमने बेसन लिया है, और हम भुना जीरा लेंगे, नमक लेंगे और खटाई पाउडर लेंगे, और हम थोड़ा सा यहाँ पर तेल भी लेंगे सरसों का। ये हमने कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया है। अब इसको हम गैस में रखते हैं। जब तक हमारा तेल गर्म हो रहा है तब तक हम आगे की तैयारी भी कर लेते हैं। मिर्च के जो डंठल हैं इनको हम हटा हटा कर एक साइड रख देंगे। मिर्च को हमको काटना नहीं है, हमको इसी तरह से पूरा मिर्च हमको बनाना है। तो इस तरह से हम सभी मिर्चों को, ये डंडियां जो हैं इनकी, ये हम हटा लेते हैं। अभी देखिए हमारी जो मिर्च की डंडियां हैं वो हट गई हैं, अब इनको हम एक साइड रख देते हैं। अब ये जो हमारी धनिया है, धनिया को हम कट कर लेते हैं इसी आलू के ऊपर, छोटा छोटा सा इसको हम कट कर लेंगे। अब ये जो धनिया है इसको भी हमने छोटा छोटा कट कर लिया है। अब इसमें हम ये जो थोड़ा भुना जीरा है ये हम इसमें डाल देते हैं। थोड़ा इसमें हम खटाई पाउडर है ये हम डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा खटाई पाउडर डाल दिया, और स्वाद के हिसाब से हम इसमें नमक डालेंगे। नमक इसमें भी हम थोड़ा कम ही डालेंगे, क्योंकि अभी हम बेसन का जो घोल तैयार करेंगे हम थोड़ा नमक उसमें भी डालेंगे। ये नींबू हम इसमें आधा डाल देंगे, आधा हम साइड में रख देंगे, आधा पर्याप्त है। तो इसका हमने बीज हटा लिया है और अब इसको हम इसमें डाल देते हैं। इसमें बहुत मसाला नहीं लगता, बहुत कम मसाले में ही ये बढ़िया से हमारे तैयार हो जाते हैं। तो ये डाल दिया, अब इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं आलुओं को। आलू आपको बहुत ही चिकनी चिकनी सी ये इसको करनी है, बहुत मोटा पीस ना रहे आलू का, बहुत छोटा छोटा सा इसको महीन कर लेना है। आलू का मिश्रण हमारा तैयार हो गया है। तो अब यहाँ पर हमने थोड़ा बेसन लिया है, एक बड़ी कटोरी ले ली है, और यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। इसमें थोड़ी हमने हल्दी डाल दी, और थोड़ा ही इसमें हम नमक डालेंगे, क्योंकि हमने आलुओं में नमक मिला दिया है। तो इसमें थोड़ा हम नमक डालेंगे, और अब इसको अच्छे से पानी डालकर इसका गाढ़ा घोल हम तैयार कर लेंगे। पहले हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, नहीं तो इसमें क्या है ना गुट्ठल पड़ जाएगा, तो ये घोलने में दिक्कत होती है। तो हम पहले थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम मिला लेंगे। अब ये देखिए इतना हमने गाढ़ा घोल इसका तैयार कर लिया है। अभी थोड़ा हमको एक अभी बना के देखते हैं। मान लो थोड़ा सा पानी ज़्यादा लग रहा है तो थोड़ा बेसन हम इसमें और डाल देंगे, थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है तो इसमें हम पानी डाल देंगे, लेकिन अभी हम इतना ही इसको गाढ़ा कर रहे हैं। अब ये देखिए जो हमने यहाँ पर मिर्च लिए हैं, तो हमने इसकी डंडी हटा दी थी और हमने इसको बीच से कट नहीं किया था, तो थोड़ा सा यहाँ से कट कर दीजिएगा, जिससे क्या है ना ये जब बनाते समय बहुत चटकते नहीं हैं, आराम से ये बन जाते हैं। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा कट कर लें, ज़्यादा कट कर लें अपने हिसाब से, आप इसको कट कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने थोड़ा सरसों का तेल लिया है, अब इसको हाथ में हम लगा लेते हैं, और ये जो आलू है इनको हम एक अच्छा सा आकार अब देंगे, मसाला इस भरेंगे इसमें बढ़िया। मिर्च जितना बड़ा हमारा मिर्च है उतनी बड़ी आप ये आलू रखिएगा, तो इस तरह से बहुत अच्छे से ये भर जाता है, और ये दिखता भी नहीं है मिर्च, तो पकाने में भी आसानी रहती है। ये इस तरह से आप आलू अपने हिसाब से मोटी पतली कम ज़्यादा जैसे आपको रखनी हो उस हिसाब से कर लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से हमारा ये जो थोड़ा मिर्च, कोशिश करिएगा आपके मिर्च जो है वो थोड़ा लंबे लंबे हो, जिससे भरने में आसानी रहेगी। इस तरह का मिर्च तो भरने में आसानी रहेगी। या यहाँ पर हम एक मिर्च भी भर सकते हैं, दो मिर्च भी भर सकते हैं, जिस हिसाब से आपको भरना हो एक या दो करके आप उतना भर लीजिएगा, क्योंकि तीखी है तो एक सफिशियंट रहती है,
तो जैसे आलू कम पड़ रही है तो थोड़ा सा ऐसे आलू करके इसको और दबा दीजिए, और ये अच्छे से हमारे इनको दबा दीजिएगा, और इसको ऐसे थोड़ा चिकना कर दीजिए। तो इस तरह से ये देखिए हमारे इसमें 2 मिर्च भर गए हैं। आप चाहें तो थोड़ा छोटी साइज़ के आपको बनाने हैं तो ये मिर्चों को 2 हिस्सों में कर दीजिएगा, और इसको इस तरह से आलू से दबा दीजिएगा। तो इस तरह से हमारे थोड़ा छोटी साइज़ के ये रेडी हो जाएंगे। और बनाते समय इसमें तेल का इस्तेमाल करिएगा, जिससे आलू अच्छे से ये इसमें लग भी जाए और आपके हाथ में भी ना चिपके, इस तरह से आराम से। तो बड़ी साइज़ छोटी साइज़ जैसे हमने यहाँ पे मिर्च कट नहीं किया है तो बड़ी साइज़ हो गई, ये हमने मिर्च को 2 हिस्सों में कट कर दिए तो छोटी साइज़ के हो गए। आप अपने हिसाब से साइज़ बड़ी छोटी कर लीजिएगा। अब ये हमने आलू और मिर्च ये हमारे इधर रेडी हो गए हैं। अब ये हमारा जो घोल है बेसन का, अब इसमें हम डालते हैं। अब इनको हम बेसन के घोल में अच्छे से डुबो देते हैं। अच्छे से अब डूब गए, अब हमारा तेल हो गया है, हमने पहले ही तेल रख दिया था, तो अब इसको हम आहिस्ता से इसमें डाल देते हैं। अब थोड़ी देर हो गए तो इनको आहिस्ता से हम इनको चलाते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से दिख रहे हैं। हमारे चिली पकौड़ा है ये हमारा रेडी हो गया है, ये देखिए अच्छे से। अब इनको हम एक प्लेट में टिश्यू पेपर लगा के निकाल लेंगे। अब हमारे जो थोड़े बचे थे हम इनको भी हम डाल देंगे इसमें। कोशिश करिएगा आपका जो बेसन है वो थोड़ा सा गाढ़ा रहे, नहीं तो आलू जो है वो निकलने लगती हैं। तो इस तरह से हम अपने जो थोड़े बचे हैं हम इनको भी बढ़िया से इसमें बेसन में गाढ़े बेसन का घोल जो है इसमें हम डुबो डुबो कर इसको हम डाल देते हैं। चाहे तो आप इस तरह से चम्मच यूज कर लें और इसको ऐसे ऐसे करके इस तरह से भी आप ऐसे डाल दें, जैसा आपको लगे, बस आराम से डालिएगा, फटने ना पाए। और बेसन जो है इसका वो गाढ़ा ही रखिएगा, इतना हमारा गाढ़ा है, आप चाहें तो और भी गाढ़ा कर लें। रेडी हो गए, देखिए कितने अच्छे से दिख रहे हैं, और इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बेसन का घोल बहुत पतला नहीं हो, इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चिली पकौड़ा है वो अच्छे से रेडी हो गए हैं, तो एक बार आप ज़रूर बनाइए। तो हमारे चैनल को लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।